अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सिक्स डेज पहले लड़ाई हुई थी सोनी ग्रुप में, तो अहमद भाई पुराने फैमिली फ्रेंड है, एक बॉल की तरफ से छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी। ऊपर से डैडी भी नहीं थे, अगर डैडी वगैरह कोई रहते तो क्या है, अहमद भाई को पहचान के हम लोग नहीं पहचानते थे। अहमद भाई को बहुत पहले मिले थे जब छोटे थे वक्त, उसकी वजह से हो गई थी। फिर डैडी वगैरह आए, मिले, बातचीत करे, बड़ों में बैठ के, चिचा भी थे हमारे, वालिद साहब भी थे, इस वजह से होगा। फैमिली फ्रेंड है अहमद भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है अब, इंशाल्लाह अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जैसा पहले मिलते थे वैसे ही मिलेंगे अब। सलाम दुआ खैर खैरियत। किसी के दबाव में, प्रेशर किसी में, किसी को डरा क्योंकि धमका के आपको बोलने लगा रहे क्या, ये बात ही है आप लोग का? कोई भी कहीं को बोलते, अगर ऐसा बोले तो बोल देते क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, माफ करके मिल रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा बोले तो नहीं बोल देते, हमारा दिल साफ है, इस वजह से बोल रहे हैं। अहमद भाई का भी दिल साफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अहमद भाई है आपके दिल में? नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज जैसे अहमद कुछ हरा वगैरह। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम सैयद अहमद है, मैं इस्माइल नगर सोनी ग्रुप में रहता हूँ। 5-6 दिन पहले कुछ क्रिकेट की वजह से झगड़ा हुआ था। जो बच्चे फाजिल भाई के फर्जंद थे, फाजिल भाई मेरे को बचपन से देखे हुए है, मैं फाजिल भाई के बच्चों को नहीं पहचानता था। उन्हें दूसरे एरिया शिफ्ट होकर चले गए थे, काफ़ी 20-25 साल के बाद फिर आए। मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, वहाँ बाल जाने की वजह से उन लोग रात में मेरे को नहीं दिखा या मैं उनको नहीं पहचाना, इसलिए कुछ अल्फाज मेरे से गलत निकले, बच्चे कुछ बोले, आपस में झगड़ा हो गया था, बात थोड़ी बढ़ गई थी, मार पड़ा था, PS कंप्लेंट भी हुई थी आपस में। हम लोग बस्ती के बड़े लोग, सैयद हाजी साहब, महमूदीन भाई, ये पूरे मिलके, हैदर भाई, इन्हें मिलके हम लोग आपस में सुलह कराए। और सुलह कराने के बाद ये पूछे, हम करा रहे हैं ज़रूर, मगर आप लोगों के दिल में रहे तो माफ़ करना ज़रूर, नहीं तो नहीं करना। बोले हम सच्चे दिल से फाजिल भाई के बच्चों को माफ़ करें, उन्होंने भी मेरे को माफ़ कर दिए। हम आपस में दिल में ऐसा नहीं रखना चाहिए, रमज़ान का महीना है, जो भी हमसे गलती हुई या फाजिल भाई से, हम दोनों भी माफ़ी चाहते हैं। शुक्रिया, खुदा। एक 6 डेज पहले जो नूरी नगर में सोनी ग्रुप के पास झगड़ा हुआ था, ना इत्तेफाकी की वजह से, बॉल की वजह से। क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे मेरे, और बच्चे कुछ बयान वगैरह दे दिए कि अहमद शराब वगैरह पीते बोल के। मैं बहुत बरसों से जानता हूँ 30 साल से बच्चे को, ड्रिंक वगैरह नहीं करते उन्होंने, और रोडी शीट वगैरह नहीं है। शकील वगैरह को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ गलत फहमी की वजह से इतना बड़ा झगड़ा हुआ, मेरे बच्चों से छोटे रहने मिले थे लोग, तो ये एरिए से मैं थोड़ा बल्लागुड़ा वगैरह शिफ्ट हो गया था, उसकी वजह से बच्चे बड़े होने के बाद ये लोग को जान पहचान नहीं थी, उसकी वजह से झगड़ा हुआ है। और हम लोग सब माफ़ कर दिए, दिल से मिल लिए अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई किसी के दिल में नहीं है, मेरे बच्चे सब माफ़ कर दिए, और हमको भी कोई दिल में बैर नहीं है, इंशाल्लाह अब हंस बोल के रहेंगे। आपको कोई डरा के पीछे? मैंने कोई डरा के नहीं, सब मेरे है, कोई डराने वाले ही नहीं है, सब मेरे को कुछ हुआ तो ठहरने वाले है। समझा क्या है, वो झगड़े में 50 जने आ जाते हो, कोने गिरे आ जाओ, तो जाने वाला रास्ते वाला भी हाथ साफ करता, पत्थर मेरे मिसेस को लगा। अब उसमें कई बाहर के बच्चे भी है, कुछ भतीजे वगैरह भी है, रिश्तेदार भी है, बाहर के भी है। बहरहाल ना इत्तेफाकी वजह से हुआ, इतना बड़ा झगड़ा नहीं होना था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सो किसी को कुछ जान की नहीं है, थोड़े बहुत हुए, सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग ये हाजी भाई के पास स्कूल पे आके बैठ के सब बात करके, हदीस वगैरह सुन के, अल्लाह की रजा के लिए सब चीज़ माफ़ कर दिए, मिलिए और सरपरस्त को बिठा के करके बातचीत कर रहे हैं। और मेरे बच्चों के भी दिल में कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ इंशाल्लाह कुछ आगे नहीं होगा, हम लोगों के कंप्रोमाइज़ हो गया और मिल लिए हम लोग। नहीं नहीं, किसी का कोई दबाव वगैरह नहीं है, हम लोग दिल से मिल रहे हैं, और वो बच्चे भी कोई गैर नहीं है, मैं बचपन से जानता हूँ, लोगों को स्कूल वगैरह छोड़ा हुआ है, बिल्कुल घर के सामने रहते थे, शकील भी छोटे थे मेरे सामने, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना गलतफहमी हो गई, गलतफहमी से कोई बड़े मौजूद नहीं थे प्लेस पे, इसकी वजह से इतना झगड़ा पड़ गया, अगर कोई बड़े रहते तो नहीं होता था झगड़ा।